उस रागिनी और वो बुड्ढे के साथ बाकी पूरा परिवार भी बॉम्ब ब्लास्ट में खत्म होने वाला है। देवर जी कुछ कुछ स्पेशल लाए थे, कुछ पूजा के लिए कुछ स्पेशल लाए थे का? बड़के बाबू जी वो शंख लेकर आए थे, वो बिशु बाबू हमारा रखल शंख। कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें नहीं खो सकता, किसी कीमत पर नहीं खो सकता। जीते जी नहीं सही तो मरने के बाद ही सही। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हम एक होकर जरूर रहेंगे। चलो अब इस अपनी प्यारी सी फैमिली को गुड बाय बोल दो। देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा बात सुनो। बस हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें और उनके अंदर कोई कड़वाहट ना आए। नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमें लग रहा है हम दोनों की ना लड़कियां ही होंगी। हमें भी ऐसा ही लगता है। आप बैंक से पैसा लिए थे जिसका सिर्फ एक बार किस्त भरे हैं, बाकी के सब नील बट्टा सन्नाटा। अब बस ये जो बैजू का खिलौना वाला फैक्ट्री है ना, इस पे सारे लोग निर्भर हैं, लेकिन उसको तो बर्बाद करने के लिए हम आ गए ना। अम्मा जी से मिलने गई थी। हाँ। तो फिर उनका मैसेज क्यों आया कि दो दिन से तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई और तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रही हैं। मिस्टर जी हम आपको, तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कहाँ गई थी और कैसे गई थी। मेरा काम जो अधूरा रह गया था उसे मंजिल तक तुम ही पहुंचाओगे। हाँ भैया, वो 50 खिलौना में माल भर दिया हमने, अब बताइए आगे क्या करना है। बहुत अच्छा किया हमने जो खेल किया है खिलौनों के साथ, वो बैजू को बर्बाद करने के लिए काफी है। ये सब हमें तुम्हारे बैजू भैया के खिलौनों में से मिला है। ये सब किया दरा वो बैजू का है। वो कल भी गुनेगार था और वो आज भी गुनेगार है। हम नहीं मानते, हमने अपनी बैजू की आंखों में सच्चाई देखी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब तेरी बर्बादी का वक्त शुरू हो रहा है। बैजू ने जो खिलौने बेचे हैं उसमें ड्रग्स मिला है। अब छोटे बच्चों का खिलौने में ड्रग्स की स्मगलिंग करता है वो। बाबूजी प्लीज कुछ करिए ना। हाँ बेटा, हम अभी वकील साहब से बात करते हैं। असल में हम भी यही सोच रहे थे कि क्या करें और कैसे करें। हम बात करते हैं। बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बैजू वापस आ जाएगा, वो छूट जाएगा जेल से। पहले पहले तुम आराम से बैठो बैठो। अरे बौराने, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, है सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही लो तने दूध पी लो, देखो कमजोरी आ जाएगा ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगा बेटा, थोड़ा थोड़ा करके पी लो। छुटकी भौजी अब परेशान मत हो, अब कितना कुछ बीत गया है तुम पर ही हो बीत जाएगा। लो लग गया। वकील साहब हाँ, वो उसे गांधीनगर थाने में लेके गए हैं। असल में उसके कमरा से ड्रग्स के पैकेट्स मिले हैं। नहीं नहीं, बैजू ने कुछ भी नहीं किया, हम अच्छे से जानते हैं। हम मानते हैं कि वो उसका अतीत दागदार है, लेकिन अब बैजू एकदम सुधर गया है, हमारा विश्वास कीजिए ना। सुनिए वकील साहब, हम आके आपके ऑफिस में आपसे आराम से बात करते हैं, ठीक है ना? जी ठीक ठीक। अरे बेटा तुम घबराओ मत, हम सब ठीक हो जाएगा। पापा नीचे मोहल्ले में सब बातें कर रहे हैं, सबको वो खिलौनों में ड्रग्स वाली बात पता लग गई है।
अब बैजू अगर वापस आ भी गया ना तो अपना बिजनेस वापस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। भाभी भाभी ये सब कहाँ हो गया? हम जानते हैं लेकिन हमारे बैजू भाई ऐसे कुछ नहीं कर सकते। इस सैलेड इतना बड़ा कतार निकलेगा हम ये सोच भी नहीं सकते थे। भगवान जाने इस घर से मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये सब हमें तुम्हारे बैजू भैया के खिलौनों में से मिला है। ये सब किया दरा वो बैजू का है। वो कल भी गुनहगार था और वो आज भी गुनहगार है। बाल बाल बच गए। मिस्टर जी का टेंडर है जो कैंसिल हो गया है क्योंकि वो लोग जो है ड्रग डीलर वाले जो घर में है ना बिजनेस नहीं करना चाहते। हमने जिंदगी भर का जमा पूंजी वो टेंडर का सिक्योरिटी भरने में लगा दिया। बर्बाद कर दिया तुम्हारे बैजू ने हम सबको, इस घर की इज्जत को, हमारे होने वाले बच्चे की भविष्य को। मेरी सृष्टि से मुझे दो बार अलग किया है। कैसे गिड़गिड़ा रहे? ड्रग्स बेचने के लिए। हाँ इंस्पेक्टर त्रिलोक, हमने जो है ना जाल बिछा दिया है। अब हमें बस ये देखना है कि चिड़िया जो है वो कब फंसती है, और जहां तक हम इस कबूतर को जानते हैं ना बहुत फटाक से देखना हमारे जाल में। प्रभु ये शंकासुर तो शंक की ओर बढ़ रहा है, आपको इसे रोकना होगा। प्रभु कुछ कीजिए, प्रभु कुछ कीजिए। विशाल पांच जन्य शंख से शंकासुर को बाहर निकालने हेतु श्री कृष्ण तथा नारद मुनि भेज बदल करते हैं विशाल पांच जन्य शंख में प्रवेश, जहां उनका सामना होता है शंखासुर से। जब एक लड़का एक लड़की को स्पेशल फील कराता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यू आर वेरी स्वीट। अब देखना सिद्धि, मैं तुम्हारी जिंदगी का हर पल पिछले लम्हे की तरह यादगार बना दूंगा। मन्ने जे ड्रेस नहीं चाहिए, मन्ने जे रिश्ता चाहिए। सात फेरों में अभी 7 दिन का टेम है और थारी माँ पासा पलटने में 7 मिनट को नहीं लगावे। एक बार फिर मन्ने अपना मोहरा तैयार कर दिया है। रंगीला अपनी माँ पर भरोसा रख और बैठ के तमाशा देख। हैरो सिंह ये शगुन की मेहंदी विदिता के घर पहुंचा देना। पुष्पा पांडे के होते हुए ये सब कुछ तुम्हारा कैसे हो सकता है मैम? व्हाट? और पुष्पा पांडे यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है ना, यानी कि इस सारी प्रॉपर्टी का अकेला मालकिन पुष्पा पांडे है, यानी कि हम। I'm not going anywhere. कहीं नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। वो ताबूत जो हजारों सालों से बंद पड़ा हुआ था अचानक से खुल गया और उसमें से एक मम्मी निकली और उसने मुझ पे हमला कर दिया। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कच्चा बयान, ये हकीकत है। अरे काय की हकीकत, हम यकीन नहीं करते आपकी बातों पर। तो मत करो यकीन, जाओ भुइया के खेत में जाओ। हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मम्मी जो इतने सालों के बाद बदला लेने आ जाए।